सर्दियां हैं तो सूप तो पीने बनते हैं, लेकिन आई एम श्योर आपने ये सूप आज से पहले नहीं पिया होगा। नो कॉर्नफ्लावर, नो बटर, नो क्रीम, हेल्दी सूप रेसिपी। आपने पालक कॉर्न की सब्जी तो खाई होगी, लेकिन क्या आपने पालक कॉर्न का सूप पिया है? तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सूप को मैं बनाने वाली हूँ अपने क्ले पॉट में। तो क्ले पॉट में मैंने डाला है 1 कप पानी, साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 कप पालक जिसे कि मैंने अच्छे से धो लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें। काली मिर्चें साबुत ना हो तो काली मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न। मैंने यहाँ पर थोड़े से पनीर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तकरीबन 10 से 15 ग्राम पनीर है। बॉईल कर लेंगे अपनी वेजिटेबल्स को, तो इसे लिड से कवर कर देंगे। क्ले पॉट में है तो यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल लो है। कुछ देर हुई है और आप देख सकते हैं सारी चीजें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, तो बस हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इन सबको ठंडा कर लेंगे। तो मैंने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, और ठंडी होने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो इसे मैंने पीस लिया है और छलनी में इस तरह से हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी चंक्स ना रहे। पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। हमने इसमें पनीर डाला है तो हमें इसमें कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है, कॉर्नफ्लावर या फिर कोई क्रीम या बटर। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसे सीजन कर लेंगे नमक डालकर। अगर आप साबुत काली मिर्च नहीं डाल रहे हैं तो आप इस स्टेज पर काली मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। जब हम सूप पिएंगे और इस तरह से स्वीट कॉर्न आएगा ना बीच बीच में, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और हमारा सूप बनकर तैयार है। तो फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इस सूप के जितने भी बेनिफिट्स की बात करूंगी ना, वो कम है। सबसे पहले तो आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, साथ ही आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जरूर से ये आप अपने बच्चों की डाइट में ऐड करें। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।